अगर आप रोज वही दाल खा के बोर हो गए हो तो ये महाराष्ट्र की मशहूर दाल आमटी जरूर बना के खाएं। अगर आप रोज इसे बनाते हैं, महाराष्ट्र में हैं, तो इसे बनाने का एकदम नया तरीका जरूर सीख लें। इसे मैंने 6 से 7 मिनट में डायरेक्ट कुकर में बनाया है। इसके लिए लेना है थोड़ा सा कोरिएंडर, अदरक का टुकड़ा, कड़ी पत्ते थोड़े से, इसके बाद लहसुन डालना है इसमें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नारियल का पाउडर। नारियल कोई भी फॉर्म में ले सकते हैं, इसे इजी बनाने के लिए मैंने पाउडर यूज़ किया है। अब लेना है जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और ज़रा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना के साइड में रख देना है। ये ही पेस्ट है जो इस आमटी को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट देता है। तो अब प्रेशर कुकर लेना है, उसमें डालना है 4 चम्मच तेल। इसके ऊपर अच्छा खासा तेल उभर के आता है, जिसकी वजह से हम इसमें तेल ज़्यादा डालेंगे। अब इसमें डालना है आधा चम्मच राई का, आधा चम्मच जीरे का। इसके बाद हम राई और जीरे को बहुत अच्छे से क्रैकल हो जाने के बाद डालेंगे 1/2 चम्मच हींग का। अब जो हमने मसाला पीस के रखा था वो इसमें ऐड कर देना है। इस तरीके से मसाला ऐड कर देने के बाद सोक्ड अरहर की दाल डालनी है इसमें। इसमें इसे मराठी में मसूर दाल भी बोलते हैं। अब मसूर दाल डालने के बाद 2 टमाटर का प्यूरी या 1 बड़े टमाटर का प्यूरी डाल देना है। रेसिपी को बहुत ध्यान से देखें, जितनी सिंपल है उतनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का, और ये है कांदा लहसुन चटनी। इसकी जगह पे आप मटर मसाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके यहाँ ये नहीं मिलती तो। अब इसे बहुत अच्छे से भूनना है। अब ये जो आमटी है बहुत टेस्टी लगती है मसाला राइस के साथ, जिसकी रेसिपी मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेक करें। आमटी मसाले भात बना के ज़रूर खाएं। इसे तब तक रोस्ट करें जब तक कि इसके सारे मसाले तले को लगने लगें इस तरीके से, और फिर पानी डाल के इसे तब तक कुक करें जब तक कि दाल हमारी बहुत अच्छे से कुक हो जाती है। 4 कप्स पानी डालें और अच्छे से कुक कर लें, और इसे 4 विसल्स कम से कम दे दें। और इसके बाद इसमें हमें और 3 इम्पोर्टेंट मसाले ऐड करने हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और ज़्यादा उभर के आता है। तो ये देखिए, ये हमारी दाल तो कुक्ड है। इसे ज़रा सा स्मूदन करने के लिए मैं एक स्पैचुला ले लूँगी और इसकी मदद से इसे थोड़ा सा इस तरीके से स्मूदन कर लूँगी। और जैसे ही हमारी आमटी स्मूद हो जाती है तो इसे पतला करने के लिए, क्योंकि हम इसे ज़्यादातर राइस के साथ खाते हैं, मैं इसमें 3 से 4 कप पानी डाल के सिम पे इसे रख दूँगी, ताकि इसका जो तेल है वो ऊपर बहुत अच्छे से उभर के आ जाए। तो अब इसमें ऐड करना है कोरिएंडर, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ता है। थोड़े से आमसूल, कोकम, अगर ये नहीं मिलते हैं तो इसकी जगह पे 1 चम्मच टैमरिंड पल्प डाल दें। नमक स्वादानुसार ढक के रख दें तब तक जब तक कि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। ये देखिए, हमारे आमटी हो गई तैयार।